नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज और। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो उद्घाटन होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया जाता है, जबकि ये सब काम रेल मंत्री का होना चाहिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आज तक जितने भी इनॉग्रेशन वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ है वह प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया गया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, चाहे वह रेलवे की परियोजना हो या कोई भी बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय लेवल पर होती है, उसका एक अलग महत्व होता है। यहाँ पर बात करें हम वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो जो सबसे पहला रीजन है जिसके चलते इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, वह यही है कि यह एक हाई प्रोफाइल परियोजना होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक हाई प्रोफाइल परियोजना होने के कारण भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का एक प्रतीक होता है कि किस प्रकार से हमारी इंडियन रेलवे डेवलप कर रही है, और इस प्रकार के आधुनिकीकरण में जो योगदान होगा वह देश के प्रधानमंत्री का ही होगा। तो इस तरह से इसके महत्व को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। दोस्तों, दूसरा जो रीजन है वह होता है राष्ट्रीय महत्व का। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रमुख शहरों को जोड़ती है, जो कि अपने आप में एक राष्ट्रीय महत्व रखती है, जिसके कारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही इस जो है परियोजना का उद्घाटन किया गया, जो कि राष्ट्र के विभिन्न राज्यों को एक तरीके से जोड़ रही है और अलग अलग प्रकार से जो भी पॉलिटिकल व्यू से वोट बैंक है उनको जो है बना रही है। दोस्तों, तीसरा जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है वह होता है राजनीतिक महत्व का, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा अगर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जा रहा है तो यह जो है इंडियन पॉलिटिकल बहुत ज्यादा एक महत्व रखती है। अगर इस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा इन चीजों को किया जाएगा तो लोगों के मन में ये मैसेज जाता है कि ये जो परियोजना है जिससे लोग जो है एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और जिससे उनका वोट बैंक बनता है। तो एक सबसे मेजर यहाँ पर चीजें यह भी होती है जिसके कारण इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, चौथा एक जो है इंपॉर्टेंट रीजन यह भी होता है, जो कि है आर्थिक और रोजगार का प्रभाव। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो इस परियोजना के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर देने का जो है चीजें खुलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसे चीजें हैं। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में उसमें जो है वैकेंसी वगैरह, उसके जो कोच अटेंडेंट, बहुत सारे लोग जो है उसमें जो है ट्रेनें चलेंगी तो रोजगार का अवसर होगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इसे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जो कि लोगों के मन में एक छवि बनेगी कि ये चीजें जो है उनके द्वारा की गई है जो राष्ट्रीय योगदान में काफी महत्व रखती है। तो इन सभी चीजों के चलते ही अगर जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जितना भी उद्घाटन किया जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का, वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, रेल मंत्री का इसमें कुछ खास रोल नहीं हो रहा है। हाँ, कोई ऐसी छोटी परियोजनाएं हो सकती है जहां पर रेल मंत्री अपना योगदान दें, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे जो चीजें होती है वह इनके ही अंडर में होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीजें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।